नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। रामनगरी अयोध्या में रामलला के लिए भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। दुनिया भर के तमाम राम भक्तों के लिए आस्था के केंद्र अयोध्या में बनने जा रहे इस राम मंदिर के लिए देश दुनिया के तमाम राम भक्त दिल खोलकर दान कर रहे हैं। यही नहीं, दान करने वालों में क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हर जाति मजहब के लोग आगे आ रहे हैं। कोई राम मंदिर निर्माण के लिए दान कर रहा है तो कोई लोगों से दान के लिए अपील कर रहा है। कुछ ऐसा ही काम निघत अब्बास भी कर रही हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी कर लोगों से मंदिर निर्माण के लिए दान करने की अपील की है। इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ अक्सर आवाज बुलंद करने वाली दिल्ली बीजेपी की युवा नेता और पार्टी प्रवक्ता निघत अब्बास ने इस बार अयोध्या में बनने जा रहे भगवान राम के मंदिर के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए आगे आकर समर्पण राशि देकर योगदान दें, राम मंदिर निर्माण में अपनी भागीदारी करिए। बीजेपी की मुस्लिम नेता निघत अब्बास की इस वीडियो को अब तक 1,40,000 से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। 24,000 से भी ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं। एक तरफ निघत अब्बास राम मंदिर के लिए लोगों से दान देने की अपील कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के झांसी के रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता मुजाहिद हुसैन ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है। उन्होंने दान की रसीद शेयर करते हुए लिखा, एक भारतीय शिया मुस्लिम की तरफ से राम मंदिर के लिए थोड़ी सी सेवा, बस ये आपसी सौहार्द बना रहे, यही कामना है मेरी। इतना ही नहीं, कश्मीर बीजेपी नेता एजाज हुसैन ने भी बताया कि श्री राम तो हर किसी के भगवान हैं। मैंने भी मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वो भी आगे आएं और राम मंदिर निर्माण के लिए योगदान दें, जिससे उनकी भी राम मंदिर में भागीदारी बढ़े। राम मंदिर का हमने कल ही मतलब उसके लिए मैंने फंड भी मतलब दे दिया है। बिल्कुल, मैं राम मंदिर, राम तो श्री राम तो हर किसी के भगवान है और उनका हम नमन करते हैं और अच्छा एक डिसीजन है। मैंने कल भी बोला अपने मुसलमान भाइयों को, उस जन्मभूमि के लिए जो भी दान होगा वो देना चाहिए मुसलमानों को भी, ताकि वो भी उनकी भागीदारी में हिस्सा हो जाए। आखिरी सवाल बस यही पूछूंगी, कश्मीर का युवा क्या चाहता है प्रधानमंत्री मोदी से? बस यही चाहता है, ये अपेक्षा है कि उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, उनकी सुनी जानी चाहिए और जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, आप देखिए ना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य होगा जो एवरेज जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 34% के करीब है पूरे देश भर में, लेकिन एक अपना जम्मू कश्मीर है जहाँ 70% है। मैं चाहता हूँ वहाँ पे एवेन्यूज अपॉर्चुनिटीज खुलने चाहिए, ताकि वहाँ पे भी लोग खुल के जिए और आने वाले समय में अपने देश का नाम रोशन करें। मुंबई में भी मुस्लिम समुदाय ने राम मंदिर के लिए करीब 20 लाख रुपए का चंदा दिया है। मुंबई बीजेपी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष वसीम खान ने दावा किया कि मुस्लिम समाज से जुड़ी तकरीबन 36 अलग अलग छोटी बड़ी सामाजिक संस्थाओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लेकर मंदिर निर्माण के लिए 20 लाख रुपए का आर्थिक योगदान दिया है। इस मौके पर फिल्म अभिनेता रजा मुराद भी मौजूद थे। उन्होंने भी दान की अपील करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ ही अयोध्या मंदिर का सारा विवाद खत्म हो गया है। हम सभी इसी भूमि की संतान हैं, हमें इसी में मिल जाना है। प्रेम से हम बिना मूल्य बिक जाते हैं। आज मंदिर के निर्माण में हम सभी भारतवासियों को दिल से मदद के लिए आगे कदम बढ़ाने चाहिए। बता दें, राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने का अभियान मकर संक्रांति से शुरू हो चुका है, जिसके तहत 5 लाख से ज्यादा गांवों में 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों से संपर्क साधा जाएगा और उनसे चंदा मांगा जाएगा। चंदा जुटाने का ये अभियान 27 फरवरी तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद लोगों का समर्पण और सहयोग राशि लेगी, जिससे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को दी जाएगी। इससे राम मंदिर का निर्माण किया जा सकेगा। मंदिर के लिए चंदा जुटाने में ट्रस्ट को बॉलीवुड का भी समर्थन मिल रहा है। अब तक अक्षय कुमार और कैलाश खेर भी लोगों से दान की अपील कर चुके हैं। कल रात मैं अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा था, आप सुनेंगे? तो जी, ऐसा था कि एक तरफ वानरों की सेना थी और दूसरी तरफ थी लंका, और दोनों के बीच में महासमुद्र। अब वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रही थी, राम सेतु का निर्माण कर सीता मैया को वापस जो लाना था। प्रभु श्री राम किनारे पर खड़े सब कुछ देख रहे थे, तभी उनकी नजर पड़ी एक गिलहरी पर। गिलहरी जो थी वो पानी में जाती, फिर किनारे पर आती, रेत में लौट जाती थी, फिर राम सेतु के पत्थरों की ओर फिर भागती, फिर से पानी में जाती, फिर रेत में, फिर पत्थरों। राम जी को आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है। वो गिलहरी के पास गए
पूछा तुम गिलहरी कर क्या रही हो? गिलहरी ने जवाब दिया कि मैं अपने शरीर को गीला करती हूँ, उस पर रेत लपेटती हूँ और पत्थरों के बीच की जो दरारें हैं उसको भरती हूँ। राम सेतु के निर्माण में मैं भी अपना छोटा सा योगदान दे रही हूँ। आज बारी हमारी, अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने। मैं खुद करता हूं शुरुआत, मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस भव्य मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। तन मोरा राम, मन मोरा राम, मोरा कण कण है जी राम ही राम, राम ही पार लगावेंगे। नमस्कार, राम राम जी। भगवान राम की कृपा से इस भारत में, इस भारत के वर्चस्व में पूरा विश्व ऐसे झांक रहा है। आज भारत की जो गरिमा, जो वैभव पुनः आप सब लौटा रहे हैं, उसके लिए आपको बारंबार शुभकामनाएं, नमन, अभिनंदन। भारत के अंदर राम मंदिर बन रहा है। ये राम मंदिर सिर्फ नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है। हमारी सभ्यता, पुरातन सनातन सभ्यता, ये भगवान राम के आदर्शों पर चलती हुई आई है। अब ये राष्ट्र मंदिर के निर्माण में हम सबको सहभागी होना है। मैंने अपना प्रारंभ कर दिया है। दान वही जिसे दानी ने दे करके दुख नहीं माना है, जिस दान के बाद फजीता हो वो दान नहीं जुर्माना है। इसलिए भारत तो, भारत की संस्कृति तो दान से ही बनी है। और आप सबसे ये निवेदन है कि कृपया अधिक से अधिक संख्या में दान दीजिए और राम राज्य तीर्थ क्षेत्र अपना नाम वहां पर अंकित कराइए। युगों युगों तक आपका नाम अंकित होगा कि हाँ, भगवान राम के इस भव्य मंदिर में हमारे पूर्वजों ने भी अनुदान दिया था, सहयोग दिया था, इस यज्ञ में हमारे बड़ों की भी आहुति पड़ी है। नमस्कार, राम राम जी।